हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है हाउ टू ड्रॉ हाइपरबोला और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला गिवन द पोजिशन ऑफ पॉइंट पी ऑन इट 40 mm एंड 20 mm फ्रॉम द असिम्प्टोट्स OX एंड OY रिस्पेक्टिवली। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। तो चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पॉइंट का पोजीशन क्या दिया है वो हम पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर जो हाइपरबोला ड्रॉ करना है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, आप उसको इक्विलेटरल हाइपरबोला ऐसा भी कह सकते हैं। और ये हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए पॉइंट का पोजीशन देखो यहां पर क्या लिखा है, क्वेश्चन में यह क्लियर कट लिखा है कि पॉइंट पी दैट इज 40 mm एंड 20 mm फ्रॉम द असिम्प्टोट्स OX एंड OY रिस्पेक्टिवली। यहां पे जो वर्ड लिखा है असिम्प्टोट्स, इसका क्या मतलब होता है वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको हाइपरबोला का डेफिनेशन बताते हैं। देखो हाइपरबोला का डेफिनेशन आपके सामने है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये डेफिनेशन है। इसमें लिखा है इट इज अ कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स लाइंस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इज कॉन्स्टेंट। ये इसका डेफिनेशन है, लेकिन ये जो डेफिनेशन में यहां पे टू फिक्स लाइंस लिखा है इसका क्या मतलब है, तो ये जो टू फिक्स लाइंस है इसी को असिम्प्टोट्स कहते हैं। ठीक है, तो नीचे हमने स्टेटमेंट में लिखा है द टू फिक्स लाइंस आर कॉल्ड असिम्प्टोट्स। ठीक है, ये टू फिक्स लाइंस आपको पहले ड्रॉ करना होता है, ये टू फिक्स लाइंस के रिस्पेक्ट में आपको पॉइंट का पोजीशन पहले शो करना होता है और फिर उसके उसी में से पास होते हुए आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ करना होता है। तो चलो हम यहां पे सबसे पहले असिम्प्टोट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने पहले यहां पे दो लाइंस बना लिए हैं, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो ये दोनों लाइंस जो हमने बनाए हैं यही है असिम्प्टोट्स। ठीक है, तो ये है हॉरिजॉन्टल दैट इज OX और ये है वर्टिकल दैट इज OY। ठीक है, और ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो चलो हम आपको समझाने के लिए यहां पर एक परपेंडिकुलर का सिंबॉल भी दे देते हैं। वैसे एग्जाम में ड्रॉ करते समय आपको ऐसा परपेंडिकुलर का सिंबॉल शो नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो जो हमने डेफिनेशन बताए थे, डेफिनेशन में जो लिखा था कि टू फिक्स लाइंस That is right angle to each other, ये है वो two fixed lines that is right angle to each other और यही है asymptotes और इसका use करके हमें rectangular hyperbola draw करना है। हमेशा ध्यान में रखो rectangular hyperbola के time हमेशा asymptotes आपको perpendicular to each other ही draw करना होता है। तो ये हमने पहले asymptotes draw कर लिए। ये OX का length आप कितना भी लो कोई दिक्कत नहीं है, OY का length भी आप कितना भी लो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें यही asymptotes के respect में पहले point P का position show करना है। तो question में देखो क्या लिखा है, question में point P का पोजीशन दिया है दैट इज 40 mm फ्रॉम OX एंड 20 mm फ्रॉम OY। ठीक है, ऐसा दिया है, तो वो हमें यहां पे शो करना है। तो ये हम यहां पे स्केल का यूज कर लेंगे, OX से 40 mm दूर, तो OX से 40 mm इट मींस 4 cm। तो ये देखिए OY के ऊपर हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिए 4 cm ऊपर, और OY से ये देखिए OY से यहां पे हम 20 mm दूर, तो ये हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिए OX के ऊपर। ठीक है, और अब यहां से हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू OX एंड OY। तो ये देखिए फाइनली हमने पॉइंट P का पोजीशन यहां पे शो कर लिया है। हमने सबसे पहले क्या किए थे, OX से 40 mm ऊपर यहां पे एक पॉइंट ले लिए, चलो ये पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट A। ठीक है, और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है पैरेलल टू OX और यहां पे ये लाइन को हम नाम दे देंगे दैट इज लाइन AB। ठीक है, देन हमने ये OY से 20 mm दूर यहां पे एक पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट को हम नाम दे देंगे C, और यहां से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है पैरेलल टू OY, हम ये लाइन को नाम दे देंगे दैट इज लाइन CD। ठीक है, तो ये लाइन AB और लाइन CD जो आपको दिखाई दे रहा है ये कितना कितना mm दूर है, तो ये आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि लाइन AB जो है वो OX से 40 mm दूर है और लाइन CD जो है वो OY से 20 mm दूर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि पॉइंट P इज 40 mm एंड 20 mm फ्रॉम OX एंड OY। तो यहां देखिए पॉइंट P जो है वो OX से 40 mm दूर हो गया और OY से 20 mm दूर हो गया, क्वेश्चन में जो दिया था उसी के अकॉर्डिंग यहां पे हमने पोजीशन पूरी तरह से शो किया है। ठीक है, ये जब आप ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो इतना ड्रॉ करने के लिए ये देखो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, इसका मतलब ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा फेंट। ठीक है, ये आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे हमने लेंथ भी लिख लिया है 40 mm और 20 mm, और अब इतना होने के बाद क्या करना है देखिए, अब इतना होने के बाद इंपॉर्टेंट है, अब हम क्या करेंगे, जो ये लेंथ है पीबी इसको हम डिवाइड करेंगे।
कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये चॉइस आपका है। आप चाहे तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, चाहे तो 5, चाहे तो 6, चाहे तो 10, जितने चाहे उतने पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। और जो आप इसको डिवाइड करोगे वो इक्वल पार्ट्स होना जरूरी नहीं है, वो अनइक्वल पार्ट्स हुए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रैंडमली भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। चलो हमारे पास स्केल है, हम इसको स्केल से ही डिवाइड कर लेंगे और हम यहां पे इक्वल पार्ट्स ले लेंगे। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं अलग अलग वो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा के दिया है, तो कुछ बुक्स में अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा के दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपरबोला जो है वो एक ही बनता है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो बता रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहां पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और ये देखिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये हमने यहां पे 5 पार्ट्स यहां पे ले लिए हैं। ठीक है, हम इसको नेमिंग दे देंगे। देखो ये 1, ये 2, देन ये 3, ये 4 और ये देखिए हमने यहां पे 5 पार्ट्स ले लिए हैं। और बिल्कुल इसी टाइप के पार्ट्स कुछ ये जो पीडी का जो हाइट के ऊपर ये जो लाइन है पीडी, हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे। अब आपने यहां पे 5 पार्ट्स ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे भी आप 5 पार्ट्स लो, यहां पे आप उससे कम पार्ट्स ले लो, 2 या 3 या 1 पार्ट लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इधर भी आपने 5 पार्ट्स लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर आपने 5 पार्ट्स लिए हैं तो उससे कम पार्ट्स आप यहां ले लो, ये साइड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए हम सिर्फ जो है 2 पार्ट्स हम यहां पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये 1, 2। ठीक है, तो ये हमने यहां पे 2 पार्ट ले लिए, यहां पे हम नेमिंग दे देंगे। 5 यहां हो गया तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, इस तरह से फाइनली ये हमने दोनों साइड में पार्ट्स ले लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम स्केल का यूज करेंगे। और अब देखो ये जो पॉइंट है पॉइंट O, ये O से 1 ज्वाइन करना है। ठीक है, देखो हम यहां पे O से 1 ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब ये ज्वाइन करते समय आपको क्या करना है, अब आपको फेंड पेंसिल का यूज करना है। यहां पे हम रेड कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आपको फेंड पेंसिल का यूज करना है ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करते समय। तो ये देखिए ये हम O से 1 यहां पे ज्वाइन कर लेंगे, ये हमने कर लिए O से 1। उसी तरह से ये O से 2, O से 3, 4, 5 सबको हम ज्वाइन कर लेंगे। यहां पे O से 6, 7 ये भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था O से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी लाइंस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। और अब इसके बाद देखो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो O1 की लाइन है, O1 की लाइन ये PC के ऊपर, ये देखो ये P से लेके C ये जो लाइन है इसके ऊपर यहां पे जहां कटा है वो यहां पे एक पॉइंट मिल जाएगा, हम इसको कहेंगे 1 डैश। देन ये O से 2 की लाइन ये PC के ऊपर यहां कटा है तो ये हो जाएगा दैट इज 2 डैश। फिर ये O से 3 की लाइन ये PC के ऊपर यहां कटा है तो ये हो जाएगा 3 डैश, तो हम इसको कहेंगे 3 डैश। देन यहां है 4 डैश और फिर लास्ट में रहेगा 5 डैश। ठीक है, इस तरह से यहां पे हमें सभी पॉइंट्स मिल चुके हैं। उसी तरह से ये O6 जो है वो AP के ऊपर, देखो A से लेके P ये जो लाइन है ये O6 ये AP के ऊपर जहां पे कटा है ये हो जाएगा 6 डैश। ये O7 ये AP के ऊपर जहां पे कट रहा है वो हो जाएगा दैट इज 7 डैश। इस तरह से यहां पे हमने सारे जो पॉइंट्स है वो ये AP और ये CP के ऊपर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 1 है देखो ये जो 1 है 1 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो दैट इज पैरेलल टू OI, और ये जो 1 डैश है यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो दैट इज पैरेलल टू OX, क्योंकि OX और OI जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो उसी को पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमने जैसा कहा 1 से वर्टिकल, ये 1 से जो है वर्टिकल, तो आपके पास रोलर स्केल है या मिनी ड्राफ्टर है तो उससे आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास एक ही स्केल है तो हम इसका यूज करके ड्रॉ करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हम 1 से एक वर्टिकल लाइन ये हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ऐसा हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए और ये जो 1 डैश है यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो ये 1 डैश से हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ये हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये हमने यहां ड्रॉ कर रहे हैं और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। देखो पहला क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमें यहां पे मिल चुका है। उसी तरह से यहां पे 2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। देखो ये 2 से वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो 2 डैश है यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले यहां पे पैरेलल टू OX, तो ये देखिए ये हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी वहां पे सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये देखो इस तरह से, उसी तरह से ये 3 से वर्टिकल लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ये कंस्ट्रक्शन करते समय गलती करते हैं, बस गलती नहीं होनी चाहिए। 3 से वर्टिकल लाइन हो गई और ये 3 डैश जो हमें पॉइंट मिला था यहां से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है दैट इज पैरेलल टू OX। ठीक है, ये देखिए हमें थर्ड क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। उसी तरह से 4 और 5 से भी हम कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने यहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं और हमें यहां पे ये साइड में क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो हमने 1 और 1 डैश से जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे वो यहां पे दोनों क्रॉस हो गई, तो ये था पहला क्रॉस सेक्शन पॉइंट, हम इसको कहेंगे P1। ठीक है, देन ये 2 और ये 2 डैश से जो हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ किए हैं और ये जो सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला है हम इसको कहेंगे दैट इज पॉइंट P2। देन ये जो हमें थर्ड क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला है हम इसको कहेंगे दैट इज पॉइंट P3। ठीक है, देन ये फोर्थ पॉइंट हमें मिला है हम इसको कहेंगे पॉइंट P4 और ये जो लास्ट पॉइंट हमें मिला है क्रॉस सेक्शन पॉइंट हम इसको कहेंगे पॉइंट P5। इस तरह से हमने ये साइड में सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। बिल्कुल उसी तरह से हमें वर्टिकल साइड में भी यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये 6 और 7 के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो 6 है 6 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो दैट इज पैरेलल टू OX। तो ये देखिए 6 से हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू OX और ये जो 6 डैश है 6 डैश यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो दैट इज पैरेलल टू OY। ठीक है, तो ये देखिए दोनों क्रॉस हो गए एक जगह, तो दोनों जहां क्रॉस होंगे वहां वो हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। और उसी तरह से ये देखो ये जो O7 है, तो ये जो 7 है 7 से हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिए और 7 से हॉरिजॉन्टल लाइन और जो 7 डैश है वहां से वर्टिकल लाइन। ठीक है, 7 डैश से वर्टिकल लाइन, तो दोनों एक जगह इंटरसेक्ट होंगे। देखो दोनों एक जगह इंटरसेक्ट हो गए, तो ये जो हमें दो पॉइंट्स मिले हैं इसको हम क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हम नेमिंग दे देंगे दैट इज P6 एंड P7। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाइपरबोला ड्रॉ करने के लिए हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट सभी प्रकार के मिल चुके हैं और अब ये सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। सॉरी, यहां पर P7 नहीं, यहां पर P6 चाहिए। ठीक है, P7 ऊपर है और ये P6। तो हमने जैसा कहा अब ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप चाहे तो इसको फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप फ्री हैंड आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड उतना अच्छा नहीं बनेगा। आप फ्रेंच कर्व का यूज करो तो काफी स्मूथ और अच्छा कर्व बनेगा। हमारे पास फिलहाल फ्रेंच कर्व तो नहीं है क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड का फ्रेंच कर्व आता नहीं है मार्केट में, तो हम इसको फ्री हैंड फिलहाल ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने सभी पॉइंट्स को यहां ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो हमें कर्व मिला है ये है हाइपरबोलिक कर्व, इट मींस दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि हमने ये फ्री हैंड बनाया है। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो फ्रेंच कर्व का यूज करना तो काफी अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। एक तो यहां पर जो हमने लाइन्स कुछ ड्रॉ किए हैं वो प्रॉपरली पैरेलल आई नहीं है क्योंकि हमने सिंपल एक स्केल का यूज किया है। अगर यही अगर आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करके बनाते हैं तो काफी अच्छा बनता है। तो ये आपको ड्रॉइंग बुक में जरूर करके देख लेना चाहिए। तो क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये उसका सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि OX, OY, AB, CD ये डायमेंशंस, ये सब कुछ आपको सेमी डार्क पेंसिल का यूज करके आपको शो करना है और ये जो हाइपरबोलिक कर्व है ये आपको डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो हमने रेड कलर के पेंसिल जो कुछ भी हमने यहां ड्रॉ किया है वो आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये था आज का हाइपरबोला का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।